चलिए देखते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन आपको तो क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशंस करने पड़ते हैं कि कैसे हम लोग प्रोसीड करें। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है कि जो न्यूमरेटर आपका एक्स स्क्वायर है, ये किसका डेरिवेटिव होगा? एक हायर पावर का, मतलब पावर 3 का होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब के टर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। तो इट कुड बी रिटेन एज ए, दैट इज एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस, ये क्या हो गया, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में हमेशा ये आप देखिए, ये क्वाड्रेटिक आएगी वन ऑफ कुछ। चलिए आगे बात करते हैं डी एक्स। अब यहाँ क्या कर लेंगे, लेट दैट इज एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, क्या हो जाएगा आपका, 3x² डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 3x² डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा आपका। लेकिन x² डी एक्स है सिर्फ, है ना, तो इस 3 को हम इधर ले जाते हैं अपॉन 3, तो ये हो जाएगा x² डी एक्स को हम डी टी बाई 3। पूरा क्वेश्चन आप ट्रांसलेट कर लो टी के टर्म में, तो ये हो जाएगा आपका डी टी बाई 3, और ये हो जाएगा आपका पहला वाला टर्म दैट इज t² और प्लस a की पावर 6 हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये जो कांस्टेंट है 1 बाई, इसको हम बाहर कर लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट आराम से हम डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो वो इजली बाहर किए जा सकते हैं। खैर, अब देखिए ये क्या दिख रही है, 1/√ क्वाड्रेटिक टाइप का दिख रही है ना, क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ टी, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है आपका, ए के टर्म में तो 6 डिग्री है, लेकिन वो कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मानी जाएगी, वहाँ पे कुछ नंबर्स टाइप के होंगे। खैर, तो ये 1/√ क्वाड्रेटिक है, और रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1/√x² + a² लेकिन यहाँ तो ए खुद ही है, हम मान लेते हैं कैपिटल ए स्क्वायर है ना, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। ए की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, क्यूब का स्क्वायर। अब मुझे दिख रहा है ये, है ना, कि √x² + a² मतलब t² + a² है। तो इसके लिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज रिटेन एज ए, इसके लिए फॉर्मूला होगा लॉग ऑफ टी मॉड ऑफ टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t² + a² मतलब t² + a² मतलब जो भी यहाँ लिखा हुआ है, ए क्यूब का स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस इनडेफिनिट कांस्टेंट सी हो गया। लेकिन हम डमी वेरिएबल को रिमूव करेंगे, वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा, दैट इज आपका क्या है, लॉग हो गया, ये टी की जगह पे आप रख दोगे एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस अंदर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 6, और ये प्लस ए की पावर 6 तो है ही है आपका, प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।